नमस्कार, मैं रितिका वर्मा और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज 24x7। श्री मौनीभव महाराज जी का प्रगट्योत्सव धूमधाम से मनाया। श्री दत्तात्रेय प्रसाद अन्य धन आश्रम चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आज परम पूज्य संत शिरोमणि श्री श्री मौनी बाबा महाराज जी का प्रकट्योत्सव श्री मौनी बाबा आश्रम लक्ष्मी कुंड लक्सा रोड वाराणसी में बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। सर्वप्रथम प्रातः 8 बजे बाबा जी का पूर्ण गुरु वचन एवं अभिषेक तथा विशेष श्रृंगार से बाबा जी की अर्चना किया गया। तत्पश्चात 10 से 11 तक वैदिक ब्राह्मणों को प्रसाद एवं दक्षिणा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। उसके बाद 12 बजे से 4 बजे तक अन्य साधु संतों बटुक पंडित विद्यार्थी का भंडारा हुआ, जिसमें 2100 ब्राह्मण आदि शामिल हुए। साथ ही सभी ब्राह्मणों को दक्षिणा भी दिया गया। परम पूज्य बाबा जी का विशाल भंडारा आम भक्तजनों के लिए जो 4 बजे से रात 11 बजे तक अनवरत चलता रहा, जिसमें भक्तों ने भंडारा में प्रसाद ग्रहण करके पुण्य के भागी बने। आश्रम में अन्य सभी देव विग्रहों का भव्य एवं मनमोहक श्रृंगार किया गया। श्री श्री महागणपति जी, श्री श्री महा त्रिपुर सुंदरी जी, श्री ललिता राजेश्वरी जी, श्री वेणुगोपाल जी, श्री श्री कामेश्वरी जी, श्री वांकेटेश्वरी जी, अड़ित शालिग्राम व स्फटिक शिवलिंग श्री अखंड नंदादीप प्रमुख हैं। अंत में सभी विग्रहों की सजावट देखने से ऐसा लग रहा है कि मानो सारा देवलोक पृथ्वी पर उतर आया है। इस अवसर पर उपस्थित ट्रस्टी अध्यक्ष डॉक्टर पीडी पाटिल जी, डॉक्टर भाग्यश्री पाटिल जी, सचिव एवं ट्रस्टी मोहन लाल, अशोक सुरेश, अति सुधीर टंडन जी, राघवेंद्र विक्रम सिंह, व्यवस्थापक धीरेन्द्र शर्मा एवं शिवहरि शर्मा, मदन मोहन पाठक, अनिल किंजाटवरकर, लोकेश शर्मा, अनुज शर्मा, अनूप जायसवाल, सोमनाथ विश्वकर्मा, आदित्य गोयनका, अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। मुकेश पांडे, ऑल इंडिया न्यूज 24x7, वाराणसी। सर अगर महाराज जी के महात्म में और यहाँ इस क्षेत्र के महात्म की बात की जाए तो कुछ बताएं संक्षेप में, क्या इतिहास रहा है, कैसे क्या है। इन कार्यक्रमों से सुंदर बाबा जी ने सभी को जुड़ा, सभी देश से विदेश से सभी इंडिया के सब कोने से यहाँ थे। ये अगर दो बार जो जमा हो गया ठीक सर। बाबा जी का आज जन्मोत्सव मनाया गया बड़ा धूमधाम से। सर्वप्रथम सुबह बाबा जी का विकरा का जो है रुद्राभिषेक किया गया, फिर विशेष श्रृंगार किया गया। उसके उपरांत 108 वैदिक ब्राह्मणों का फलाहार और वस्त्र दान और दक्षिणा के साथ उनका सम्मान किया गया। और उसके बाद विक्रह में विद्यार्थी हो गए, साधु महात्मा हो गए, लोगों का भंडारा 3 बजे तक कंटिन्यू चला था। आम जन के लिए शाम 4 बजे से लेकर रात 11-12 बजे तक जब तक लोग आते रहेंगे तब तक चलता है। सर अगर देखा जाए तो इस समय कुछ लोग जो राजनीति ये तो जो सनातन धर्म के विरोधी हो गए वही बोलते हैं, हिंदू धर्म नहीं बोलता।